नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नीतीश सरकार ने बिहार में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव पास कराकर अन्य पार्टियों से एज ले लिया है। ऐसे में अब भाजपा इससे भी आगे निकलना चाहती है। दरअसल अति पिछड़े में शामिल जातियों की जनसंख्या को देखते हुए इसे एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है, जिसे लुभाने की कोशिश हर पार्टी करना चाहती है। बस इसी के मद्देनजर भाजपा का अब ये कहना है कि अगर बिहार में सरकार ने अति पिछड़ों को 5% और आरक्षण दिया होता तो और बेहतर होता। भाजपा भी चाहती है कि अति पिछड़ों पर उनकी पकड़ ना छूटे। ऐसे में भाजपा ने ये एक नई मांग की है नीतीश सरकार से। बता दें कि शुक्रवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण के प्रारंभ से ही पक्षधर रही है। आरक्षण संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में भाजपा ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे के बाद जैसी जनसंख्या सामने आई है, उस अनुपात में अति पिछड़ा वर्ग को और 5% आरक्षण बढ़ाया जाता तो इस समाज का और तेजी से विकास होता। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से ही आरक्षण का समर्थन देती रही है। कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल में भी जब आरक्षण की बात आई थी तब भी भाजपा ने समर्थन किया था। पंचायत चुनाव में भी आरक्षण तब लागू हुआ जब एनडीए की सरकार थी। इसके पहले भी भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरक्षण बढ़ाए जाने का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि जातिगत गणना और आरक्षण का पहले से ही समर्थन था, आज भी है और कल भी रहेगा। साथ ही सम्राट चौधरी ने मांग की कि दलित समाज का आरक्षण बढ़ाकर 16% से 20% कर दिया जाए। अति पिछड़ा को उनके वाजिब हक दिलाने के लिए यदि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 80% की जाती है तब भी भाजपा समर्थन करती। उन्होंने भूमिहीनों को मकान बनाने के लिए सरकार की घोषणा को अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए में जमीन नहीं मिल सकती है, इसीलिए इसे आगे बढ़ाया जाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्ष 2022 में सरकार ने जब इस संबंध में निर्णय लिया था उसमें भाजपा का पूरा सहयोग रहा था। यही नहीं, जब जब आरक्षण लागू हुआ भाजपा ने सहयोग दिया। देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने क्रमशः 69% और 64% आरक्षण देने का काम किया है। बिहार में अब 75% तक आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा चुका है नीतीश सरकार ने। पहले विधानसभा, उसके बाद कल विधान परिषद में इस प्रस्ताव को पास करवा लिया है, जिसके बाद अब बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ गया है। और ऐसा करके नीतीश कुमार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, अति पिछड़ों को लुभाने का काम किया है। तो वहीं दूसरी ओर अब भाजपा को भी ये टेंशन है कि अति पिछड़ों में जो जातियां हैं उनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है, ऐसे में ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक साबित होते हैं, तो उन्हें किस तरह लुभाया जाए। तो वहीं भाजपा ने अब ये मांग की है कि नीतीश सरकार को अति पिछड़ों के लिए 5% और आरक्षण देना चाहिए, और अगर समाज के कल्याण के लिए बिहार में आरक्षण का दायरा 80% तक भी बढ़ाना पड़ता है तो फिर भी हम उसका समर्थन करेंगे। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर यह मांग की है कि नीतीश सरकार अगर 5% आरक्षण अति पिछड़ों के लिए और बढ़ाए तो ऐसे में इस समाज का विकास और ज्यादा तेजी से होगा। क्या कुछ कहते नजर आए हैं सम्राट चौधरी, ये हमने आपको विस्तार से बताया इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।